आज की वीडियो में हम आपको फिर से समुद्र की गहराइयों में ले जाएंगे, क्योंकि समुद्र इतना गहरा है कि उसकी पूरी गहराई में इंसान भी नहीं पहुंच पाया है। और समुद्र के अंदर कई तरह के जीव भी है जिनमें से आज तक आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि समुद्र में अचानक एक ऐसा अनोखा जीव दिखाई दिया जिसे समुद्री दानव भी कहा जाता है। ये समुद्री दानव आज तक किसी को भी नहीं दिखाई दिया, सिर्फ एक महिला के अलावा। इस महिला ने इसकी फोटो भी खींच ली थी। जब ये समुद्री दानव पानी के ऊपर आया तब उस महिला ने इसकी फोटो और वीडियो ले ली। ये समुद्री दानव इतना बड़ा है कि आप भी इसे देखकर चौंक जाओगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि हम आपको इस दानव की फोटो जरूर दिखाएंगे कि ये दानव देखने में कैसा लगता है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये समुद्री दानव अमेरिकी महिला ने देखा था। फिर उस महिला ने ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। स्कॉटलैंड में एक पर्यटक स्थल के नजदीक समुद्र में एक विचित्र जीव दिखाई देने की खबर सामने आई थी। इस अनोखे जीव को समुद्री दानव लॉकनेस बताया जा रहा है। अगर आपको याद हो तो लॉकनेस को लेकर कहा जाता है कि वह पानी में छिपकर रहने वाला एक विशाल दानव है। लॉकनेस के संबंध में अभी तक ऐसी ही अनेकों दंत कहानियां सुनने को मिलती रही है। हालांकि इस जीव के असल में होने के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। फिलहाल ये समुद्री दानव डायना टर्नर नाम के एक अमेरिकी पर्यटक महिला ने देखा है। मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक जिस जगह डायना ने समुद्री दानव को देखे जाने की बात कही है वहाँ सालवर में ऐसी अनोखी घटनाएं हो चुकी है। इससे पहले लॉकनेस को यहाँ सबसे ज्यादा 1996 में देखा गया था। आपको बता दें कि ये घटना स्कॉटिश आइलैंड के उर्गट किले के पास की है। डायना टर्नर ने जब यहाँ घूमते हुए समुद्र और सुंदर घाटी को देखा तो उनसे रहा नहीं गया। फिर उन्होंने फौरन अपना कैमरा निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान उनके कैमरे में समुद्र की कुछ अजीब व गरीब रिकॉर्डिंग हो गई। उन्होंने जब अपने वेबकैम में ये वीडियो देखी तो वो हैरान रह गई। उन्होंने समुद्र से किसी अनोखे जीव की लंबी सी गर्दन बाहर आते हुए देखी, लेकिन जैसे ही उस जीव का ध्यान इस महिला की ओर गया और वो वापस समुद्र में गोता लगाकर गायब हो गया। डायना ने बताया कि यह अनोखा जीव केवल 2 मिनट के लिए ही पानी से बाहर आया था। कहानियों में बताया जाता है कि ये दानव स्कॉटलैंड के लॉकनेस इलाके में रहता है। इसका एकमात्र चित्र सर्जन फोटोग्राफ है जिसे 1934 में खींचा गया था। इसके बाद इस जीव को लेकर काफी शोध कार्य हुआ, लेकिन आज तक इसके होने की साफ पुष्टि नहीं की गई है। विज्ञाताओं के माने तो ऐसे अनोखे जीव विलुप्त हो गए हैं। ये विलुप्त हो चुके डायनासोर की प्रजाति प्लेसियोसॉरस है। मतलब आप मान सकते हैं कि ये जीव डायनासोर की एक प्रजाति का है जो इस दुनिया से 600 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। और ये भी आपको शायद पता ही होगा कि कैसे डायनासोर इस दुनिया से विलुप्त हो गए थे। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, अंतरिक्ष से एक बहुत ही बड़ा उल्कापिंड धरती पर गिरा था जिसने पूरी धरती को हिला के रख दिया और धरती से सभी जीवों का खात्मा कर दिया। नासा ने बताया कि ऐसे ही 3 उल्कापिंड धरती की ओर आ रहे हैं जो कि धरती का अंत कर सकते हैं। इन 3 उल्कापिंडों पर हमने फुल वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर वीडियो के एंड में मिल जाएगा। खैर, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको सच में पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और आप चाहें तो हमें सोशल साइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।